दीपक चहर भारतीय क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाजी की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने जुलाई 2018 से भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम दीपक लोकेंद्र सिंह चहर है और इनका जन्म 7 अगस्त 1992 आगरा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। इनके पिता का नाम लोकेंद्र सिंह चहर और इनकी माँ का नाम पुष्पा चहर है। इनके भाई का नाम राहुल चहर और इनकी बहन का नाम मालती चहर है और इनकी पत्नी का नाम जया चहर है। दीपक चहर दाएं हाथ के बैटर और दाएं हाथ के मीडियम पेस स्विंग बॉलर हैं। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर की होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये बैटिंग भी करते हैं और इनकी जर्सी नंबर है 90। दीपक चहर की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 76। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 223। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 25 सितंबर 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। और दीपक चहर डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में 2009 से राजस्थान टीम से और IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग से खेलते हैं। दीपक चहर के पिता लोकेंद्र सिंह चहर भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं और इनकी माँ पुष्पा चहर एक हाउसवाइफ हैं। वहीं इनकी बड़ी बहन मालती चहर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दीपक चहर को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था और इनके पिता इन्हें एक अच्छा क्रिकेटर बनाना चाहते थे, जिसके लिए 2006 में इन्होंने अपनी एयरफोर्स की जॉब भी छोड़ दी ताकि अपने बेटे को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग दिला सकें। और दीपक चहर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से पहले सफल क्रिकेटर बने। इन्होंने 18 साल की उम्र में राजस्थान के लिए अपने डोमेस्टिक कैरियर की शुरुआत की और 2010-11 रणजी ट्रॉफी में अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट पदार्पण पर हैदराबाद के खिलाफ 10 रन देकर 8 विकेट लिए और हैदराबाद की पूरी टीम 21 रन पर ऑल आउट हुई, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम स्कोर था। और 2018-19 देवधर ट्रॉफी के लिए इन्हें भारतीय बी टीम में नामित किया गया। फिर मई 2018 में दीपक चहर को भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की T20I टीम में नामित किया गया और 8 जुलाई 2018 को एक विकेट लेकर अपना T20I डेब्यू किया और 25 सितंबर 2018 को एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भी किया। और फिर 2019 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इन्हें भारतीय T20I टीम में चुना गया और सीरीज के अंतिम मैच में खेलते हुए मात्र 4 रन देकर 3 विकेट लेने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए भी इन्हें भारतीय टीम में चुना गया और सीरीज के लास्ट मैच में इन्होंने 3.2 ओवर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट लिए और T20I में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े स्थापित किए और इसी सीरीज के दौरान इन्होंने अपनी पहली हैट्रिक भी ली और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने और इसी T20I मैच में अपना पहला 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया, जिसके लिए दीपक चहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा वर्ष के T20I प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर जुलाई 2021 में दीपक चहर ने अपना पहला वनडे अर्धशतक बनाया और 2021 T20 विश्व कप के लिए इन्हें भारत की टीम में नामित किया गया। फिर जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में इन्होंने अपना दूसरा अर्धशतक भी बनाया। तो हम दीपक चहर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये भारत के लिए ऐसे ही अच्छा क्रिकेट खेलते रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।